फिनिश ना। हेलो सबको मेरा नमस्कार। राग अभोगी से मैं शुरुआत करूंगा। सब दुनिया में नेगेटिविटी फैली हुई है तो प्रार्थना करते हैं कि सबका भला हो। लाज रख लीजो मोरे, लाज रख लीजो मोरे, लाज रख लीजो साहेब कर तार निराकार जग के दाता। लाज रख लीजो मोरे, लाज रख लीजो कर लाज रख लीजो मोरी, लाज रख साहेब कर तार निराकार जग के दाता। लाज रख लीजो रे तू रहीम राम, तू रहीम राम, तू रहीम राम, तू कर पार कर माया परम पार। मोहे तोरे चरण के, मोहे तोरे चरण के आधार जग के दाता। लाज रख लीजो मोरे, लाज रख लीजो जो मोरे, लाज रख लीजो मोरे। तू रहीम राम, तू ही
रहीम राम तू ही कर माया अपरंपार, कर माया अपरंपार, मोहे तोरे चरण के, मोहे तोरे चरण के, आधार जग के दाता लाज लाज रख लिए थैंक यू सो मच। इतने लोगों के रिप्लाईज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। दूसरा कुछ गाने के लिए मुझे थोड़ा सा एक बीच में गैप लगेगा, एक के बाद आपको कुछ सुनना चाहते तो आज आप फरमाइश भेज सकते हैं, सभी फरमाइश लेना मुश्किल है लेकिन जितना संभव है मैं गाने कोशिश करूँगा। थोड़ा सा राग केदार सुनाता हूं मैं। गोरख कल्याण की बहुत फरमाइश है, इसके बाद सुना था कि क्योंकि वो अभोगी के बहुत करीब जाता तो बीच में थोड़ा मूड चेंज करके फिर थोड़ा सा बोलूंगा। आज छोटी छोटी चीजें सुनाऊंगा। अच्छा फरमाइश थोड़ा रोक के रखिए और जब मैं ये खत्म करूंगा तो फिर से दे दूंगा। Mm-hmm.
अभी क्या सुनना है? गोरख कल्याण की बहुत जोर से फरमाइश है। रे बने राम रे ने मदन राम राम दसाए Bye.
मराठी अभंग की भी फरमाइश है, वो भी मैं गाऊंगा। कोई कोई लोग सुबह का हेलो अभिलाषा आहिर भैरव, अभी ये मूड है एकदम रात का बन गया है, उसमें एकदम से आहिर भैरव नहीं जाएगा। बाबा केदार पंडित साहब हमारे दोस्त, अपने इंडिया के बहुत नामचीन तबला प्लेयर और बहुत ही गुणी संगीतकार, जिन्होंने इतने सारे बहुत खूबसूरत अल्बम्स दिए हैं पूरी दुनिया को, मेरे लिए भी इतना उन्होंने ज़बरदस्त काम किया है। उनकी कितनी खूबसूरत रचनाएं, लोग जानते हैं कि वो मेरी रचनाएं हैं करके, संजीव अभ्यंकर ध्यान लागे रामाचे, केदार पंडित जी ने उसको स्वरबद्ध किया है। एक आध अभंग भी गाऊँगा, लेकिन केदार जी फिर फरमाइश कर रहे कि हमको बिसार कहाँ चले सदों ने सैया, राग नगद ध्वनि कानड़ा। बहुत खूबसूरत रचना है। हमको बिसार कहाँ चले सदों ने सैया, तुम तो चतुर बारे मैं भोरी सी तरस रही, अब मैं कासे कहूँ ना माने जिए, मैं ही तो भोली थी तुम्हारे लिए राह देखती रही, हम तुम तो चले गए। इलेक्ट्रॉनिक तबला है, थोड़ा सा चेंज करना है। आधा दिन देगा मैं हमको बिसारता चले सलोने से, हमको
पहले किसी ने फरमाइश की थी कोई अप्रचलित राग है, अप्रचलित राग है। नगर ध्वनि कानड़ा सलोने से आग को पिसार का चल सलोने से तुम तो चतुर बार मैं भोरे से तरसा रही अब मैं कैसे करूं ना माने जे आपको बेसार का चल सलोने से आपको बेसार का चल कहा चले बेसार का चल कहा चले हमको बेसार का चल तुम तो चतुर बारे मैं भोरे से तरस रही अब मैं कैसे करूं ना माने जे हमको बेसार का चल कहा चले सलोने से भरी नगरिया तुम बिन सुन भरी नगरिया भरी नगरिया तुम बिन सुन भरी भरी नगरिया तुम बिन सुनी अखियां इस दिन बरस रही लाख सलोने यार जगमाई लाख सलोने लाख सलोने लाख सलोने यार जग माए हम ही काहे तुम चले सलोने से 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 हमको बेसार का चले सलोने से रे जाने पहनी सगमे मा पहने पर सारे सने राम पदने सारे भगवान बेसार का चल नीने बाबा बसार रे सा पनी रे रे सा रे ने सा गा मारे ने पर सा रे ने सा ने रा म प ब द र नि ने सा ने प ग म रे सा म को बेसार का नि म प ग म रे ने सा प ग मामा पगा मने पने मप सारे ने साने राम परे ने सा भगा मने बसाने रजन पगा मरे ने सा सामा पगा मरे सारे ने सा पगा मरे रे साने राम परे ने सा सा साने मा पगा मरे सा हम को बेसा किसी ने पूछा इसमें आरोह अवरोह बता दीजिए तो मैंने गा ही दिया चलन ही गा दिया
नोटेशन से आपको समझ में आएगा कि इसका चलन क्या है, आरोह अवरोह क्या है। अभी क्या फरमाइश है, एकाद अभंग हो जाए बीच में कि अभंग एंड में हो जाए, अभंग बीच में हो जाए कि एंड में हो जाए। हाँ केदार जी, गुड, आपकी फरमाइश मैंने गाई। और क्या है, हाँ राग स्वरूप सांगीतला की हो, गीता जी, पत्की जी, सागर मरे जरे सपने भला, ये नायकी गाना है इसमें, ग म प ग म रे जरे सपने भला, सा म प ग म रे, शायद ये सुहा कन्नड़ की संगीत है, सा म प ग म रे उल्टा उल्टा चलन नायक कन्नड़ में जो आता है वो इसमें है, इसमें सुहा है, सा म प ग म रे सा, पहले जमाने में बागेश्वरी को भी कन्नड़ बोलते थे तो ये बागेश्वरी का भी इसमें अंग है, सारे और ये पदनी से, ये हुजूर ने कन्नड़ का अंग है, मा पदनी से पद रे सो, ये मिक्सचर है ये नगद ध्वनि कन्नड़। मैंने जिस जितना आपको बताया कि नाकी कन्नड़ सुहा दिखता है इसमें, मा पदनी से पद रे सा, मैं वारी वारी गिरिराज दुलारे, मैं वारी वारी गिरिराज, म प ग रे सा, म प ग बल बल जई हो मधुर मुरत पे, मैं वारी वारी गिरिराज। हुसैनी कन्नड़ का भी अंग है, बागेश्वरी का भी अंग है, चारों केशी की बहुत फरमाइश है, छोटा सा गाता हूँ, लागे ला।
सबके लिए एक आध अभंग तो होना चाहिए। मैं बोलावा विठ्ठल पाहवा विठ्ठल, तुकाराम महाराज जी का अभंग है। कोई जो लोग मराठी नहीं जानते उनके लिए वो कह रहे हैं, ये सब कंप्लीट सरेंडर का भाव है इसमें, संपूर्ण सरेंडर। बोलावा विठ्ठल, आप जो कुछ बोलेंगे वो भी अच्छा ही बोलेंगे। ये सब ईश्वरीय शक्ति जो अच्छाई का एक रूप है। हम सब कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति को फॉलो करके, मतलब क्या उसके जैसा अच्छा बनने की कोशिश करते, वो गुणों का जो समुच्चय है वैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो मैं अगर बोलूं तो भी विठ्ठल, पहावा विठ्ठल, मैं देखूं तो भी विठ्ठल, करावा विठ्ठल, मैं अगर करूं तो भी विठ्ठल, जो भी मैं करूं वो उस विठ्ठल भगवान को समर्पित है, तो उससे क्या हो जाएगा। करावा विठ्ठल जीव भाव है, पूरे मन से 100% समर्पण से अगर मैं कोई भी चीज फॉलो करता हूं तो मुझे वो मिल जाएगी। मतलब क्या, तुका म्हणे देह भरिला विठ्ठल, मेरा पूरा जो मन है वो उस अच्छाई से भर जाएगा। और काम क्रोधे केले धर रीते, जो हमारे जो शत्रु है काम क्रोध मद मत्सर, किसी आज दुनिया में हम बहुत देखते हैं कि कोई एक विचारधारा फॉलो करने वाले बोलते दूसरे की विचारधारा गलत है, दूसरा फॉलो करने वाले बोलते तीसरे की विचारधारा गलत है, तो विचारधारा से भी ज्यादा उसमें जो वो सब पहुंचता तो एक ही जगह पे। तो ये जो मच्छर है, ये जो घृणा है वो मन में रहेगी नहीं। वो बोल रहे काम क्रोधे केले घर रहते हैं। बोलावा विठ्ठल मेरी अपनी रचनाएं हैं ये, और मेरा YouTube चैनल है संजीव अभ्यंकर ऑफिशियल के नाम से, उसमें ये मेरी काफ़ी सारी 14 घंटे का रिकॉर्डिंग मेरे रचनाओं का है। मेरा मेरी जो वेबसाइट है sanjeevabhyankar.com, उस पर 14 घंटे का ये रिकॉर्डिंग फ्री डाउनलोडेबल है आप सबके लिए। ये वो सभी मेरी रचनाएं हैं, 14 घंटे का रिकॉर्डिंग है, पूरा फ्री डाउनलोडेबल है sanjeevabhyankar.com, आप उसका आनंद लीजिए। और यूट्यूब पर मेरे चैनल पर भी ये सब रचनाएँ हैं।
मैं जरा भजन का ठेका लगा। पहावा विठ्ठल बोलावा
विठ्ठल 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 मुझे लगता है अभी हमको इसको समाप्त करना चाहिए। सिंधु भैरवी से मैं समाप्ति करूंगा। इतना बजा अरे बाप रे 9:40 हो गया है। दस 40 हुआ है। अरे बाप रे मैं तो सिंधु भैरवी का एक भजन गाता हूं। फिर से आऊंगा अपने ईश्वर की कृपा से। रिपोर्ट और अपने पास इतना है कि कितने तो 100-200 फेसबुक लाइव तो आराम से हो सकते हैं। दुर्गा ताई की फरमाइश है और मैं दुर्गा ताई जिसको मैं दुर्गा जी दुर्गा जसरा जी को मेरी तो दीदी है तो दुर्गा ताई बोलता हूँ। दुर्गा ताई थैंक यू आपके फेसबुक पेज पे ये आपने लाइक किया, मुझे मेरे चाहने वालों से मिलाया, मुझे आपके चाहने वालों से मिलाया, मुझे संगीत के चाहने वालों से मिलाया। एक सिंधु भैरवी का पद है, मेरे गुरु जी की रचना है, बहुत अच्छा, सूरदास जी का लिखा हुआ है। उधो जोग सिखावन आए, उसका भावार्थ ये है कि कृष्ण भगवान जब मथुरा चले गए राज करने के लिए तो गोपियां उदास हो गई, तो उनको समझाने के लिए उनके दोस्त उद्धव को भेजा उन्होंने कि अरे अभी योग साधना में लग जाओ, कृष्ण भगवान की तरह से ध्यान अभी हटाओ। तो उनका जवाब है, इसको भ्रमर गीत बोलते हैं, कि जो पे जोग लिखियो गोपिन को कत रस रास खिला है। अब बहुत लेट हो गया है ये सब करने में, जो पे जोग लिखो जब साधना करनी चाहिए थी योग की, कत रस रास खिलाए तब ही क्यों ना जोग उपदेशियो अधर सुधा रस प्याए। अपने मुरली का अपने अधरों का एक्चुअली उसका डबल मीनिंग है, अधरों का रस पिला रहे थे अपने, तब कहा गया था ये सब योग। मुरली शब्द सुनत बन गवने, तुम्हारी मुरली तो बोलती थी, मुरली के शब्द सुनत बन गवनी सुत पति ग्रह बिसराए, सब त्याग के हम तुम्हारे पीछे चले आते थे। सूरदास संग छाड़े शाम को हम ही भय पछताए। श्रृंगी भस्म अधारी मुद्रा मुद्रा दई ब्रजना
धो जोग सिखावन आए, उधो जोग सिखावन आए, उधो जोग सिखावन आए, उधो जोग सिखावन आए, जोग सिखाए, उधो जोग सिखावन आए, जो पे जोग लिखो गोपीन को, जो पे जोग लिखो गोपीन कत रस रास खेलाए, खेलाए जो पे जो लिखो सूरदास
sange cha sha surdas sang chaade sham ko hum hi bhaye pachtaaye udhodo hum hi bhaye pachtaaye udho jog se आए उधो जोग सिखाव आए जोग सिखाव आए उधो जोग सिखाव आए उधो जोग सिखावन आए उधो जोग सिखावन जोग सिखावन थैंक यू फ्रेंड्स आप इतने प्यार से सुन रहे हैं मुझे भी रुकने की इच्छा नहीं होती है लेकिन मैं कॉमर्स भी सीखा हूँ बीकॉम किया है मैंने तो उसमें एक रूल है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जैसे जैसे हम कुछ चीज़ करते जाते एक समय के बाद आता है समय जब उस वक्त रुकना चाहिए हम चाय में बिस्किट ग्लूकोज का डाल के खाते जाते एक के बाद एक आठ दस के बाद लगता है वाव और पंद्रह बीस होने के बाद लगता है अब बस तो अब बस होने तक गाना नहीं चाहिए सो जो भी चीज़ हम दुनिया में सीखते हैं उसका इस्तेमाल सही तरह से करना चाहते चाहिए सिर्फ किताब में पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के सिद्धांत के अनुरूप आज मैं रुकता हूँ फिर मिलेंगे नमस्कार